अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू नॉलेज इन। मैं हूँ अली बलोच। व्यूअर्स, ये जो म्यूट मेहरान यूनिवर्सिटी में जो जॉब्स हैं उसके लिए आप कैसे साइन इन कर सकते हैं और कैसे आप साइन अप कर सकते हैं? सबसे पहले आप तो म्यूट की इस वेबसाइट में आ जाएंगे और इसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। म्यूट यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके पास एक ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पर अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो फिर आप लॉग इन करेंगे, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो फिर आप यहां से रजिस्टर करेंगे। ठीक है व्यूज़, यहां पे लिखा भी पड़ा हुआ है कि आप यहां से रजिस्टर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि आप कैसे रजिस्टर करेंगे अपना अकाउंट। यहां पे रजिस्टर पे हम क्लिक करेंगे। यहां पे देखिए मांग रहा है कि इंटर योर नेम, आपका जो भी नेम हो यहाँ पर आपको अपना नेम जो है इंटर कर देनी है। ठीक है व्यूज़, मैं आपको तरीक़ेकार मुकम्मल तौर पर बताते चलता हूं। और उसके बाद जो है आपको अपना ईमेल आईडी बतानी है, जो भी आपका ईमेल आईडी हो। वो आप जैसे आप अपना ईमेल आईडी ऐड करेंगे तो यहां फिर देखें सेंड कोड, आपको कोड एक सेंड करनी है उसी ईमेल आईडी पे जो आपने ईमेल आईडी दी है। तो यहाँ पे मैं जो है क्लिक करूँगा सेंड कोड पे। इसे क्लिक करने के बाद जो है ऑटोमेटिकली आपके पास जो है एक ईमेल आईडी आ जाएगी। ठीक है व्यूअर्स, तो ये मैंने क्लिक कर दी है। जैसे ही आप सेंड कोड करेंगे तो आपके पास ये जो है कोड आ जाएगा। ठीक है, मैंने दो बार क्लिक किया तो मेरे पास दो बार कोड आया है, लेकिन आपके पास ये मेहरान यूनिवर्सिटी की तरफ से एक मैसेज मेल आएगा और ये आपके पास आपका रहा है कोड, योर ईमेल वेरिफिकेशन कोड, ये है आपका। ठीक है व्यूअर्स, तो चलिए वापस चलते हैं हम वेबसाइट की तरफ से। व्यूअर्स, डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर करने के बाद आपको अपने जिस शहर में आप पैदा हुए वो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है आपका जो है डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट का है, वो आप पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है अपना CNIC नंबर एंटर कर देनी है बगैर डैश के। ठीक है व्यूज, और उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे एक्सपायरी डेट, आपके कार्ड का जो भी एक्सपायरी डेट है ना वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने स्टेटस लगाना है, अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल, मैरिड है तो मैरिड जो भी हैं वो, और नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन अगर आपके पास आपके चिल्ड्रेन हैं तो लिख दें, अगर नहीं है तो आप ज़ीरो कर दें। यहाँ पे आपको अपना मुकम्मल तौर पे एड्रेस जो है ऐड कर देनी है, इस बॉक्स में आपको जो है एड्रेस ऐड करना है, और फिर नीचे वाली बॉक्स में आपको जो है मोबाइल नंबर एंटर कर देनी है, और उसके बाद जो बॉक्स आ रहा है यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस एंटर कर देना है, और उसके बाद आपके पास जो है यहाँ पर परमानेंट एड्रेस जो है वो एंटर कर देना है। ठीक है व्यूअर्स, जो भी आपका एड्रेस हो वो आपको यहाँ पे इंटर करनी है एनी हाउ। तो मैं जो है सेम एज कर दूंगा जो कि मेरा सेम। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और डायरेक्टली आप सेकंड पोर्शन में चले जाएंगे। ठीक है, फिर आना है नेक्स्ट पोर्शन में, यहाँ पे आपको अपना पिक्चर अपलोड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा पड़ा है सिलेक्ट फाइल, देखें ये जो है ना ऑप्शन ये वाला, यहाँ पे आपको फाइल सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट फाइल करने के बाद आपको जो है पिक्चर अपना जो है वो अपलोड कर देनी है। जैसे ही आप पिक्चर अपलोड करेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पर जो है रेड बटन होगा, आपको ऑप्शन देगा कि अपलोड, आपको इस पर क्लिक करके आपको अपना पिक्चर जो है वो अपलोड कर देनी है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है इसलिए ये ऑप्शन अभी जो है वो मिट गया है यहाँ से। ठीक है, जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो फिर यहाँ पे जो है इस बॉक्स में, यहाँ पे देखिए मेरा जैसा पिक्चर है वैसे यहाँ पे आपका पिक्चर शो हो जाएगा। ठीक है सर, इस बात का आपको ख़ास ख्याल रखना है। फिर आपको क्या करना है नेक्स्ट, आप यहां से भी कर सकते हैं, अगर आप यहां पे क्लिक करें यहां से भी कर सकते हैं, दोनों जगह से आप नेक्स्ट कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपसे आप कि आपको कौन सा ऑप्शन जो है आसान लग रहा है वहां से आप नेक्स्ट जो है कर सकते हैं। ठीक है व्यूज, तो मैं जो है यहां से ही नेक्स्ट कर देता हूं, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब यहाँ पे आपसे मांग रहा है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आप प्लस करके आप अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो भी आपके हैं वो आप मुकम्मल तौर पे यहाँ पे अपलोड करते नहीं। मैंने ये प्लस किया है। यहाँ पे देखें कह रहा है कि सिलेक्ट योर डिग्री, आपका डिग्री जो भी है, मैं बैचलर्स से कर रहा हूँ तो पास ईयर यानी पासिंग ईयर, आपका जो पासिंग ईयर है वो आपको यहाँ पे कर देना है। आपका CGPA जो भी है वो आप CGPA लिखें, और उसके बाद डिवीजन आपका कौन सा है, ए है बी या फर्स्ट क्लास वगैरह जो भी है, और सब्जेक्ट आपका जो भी है वो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट अपना लिख देना है, और उसके बाद नेम ऑफ बोर्ड जो भी आपका बोर्ड है यूनिवर्सिटी नेम वो यहाँ पे आपको जो है सारा का सारा अपलोड कर देनी है। ठीक है व्यूज़, तो फिर यहाँ से आप क्या करेंगे सेव कर देंगे। मज़ीद अगर आप अपने जो इंटरमीडिएट मैट्रिक जो भी आपके बैचलर्स के डिग्री हैं आप मज़ीद जो अपलोड करना चाहते हैं, तरीक़ेकार सेम ही आप अपलोड कर सकते हैं, तो फिर आपको सेव कर देना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं एम्प्लॉयमेंट के पास है। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में आपसे क्या मांगेगा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे फिल कर दें, अगर नहीं एक्सपीरियंस तो आप इसे लीव कर दें। अब फिर आए 5 नंबर पे, आपके पास मांग रहा है कि मिस इंफॉर्मेशन, आपका स्पोकन लैंग्वेज के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन मांग रहा है। यहाँ पे देखिए मांग रहा है कि आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो आपका कैसी है, यानी आप कैसे इस पे बोलना आपका कैसा है, एक्सीलेंट है, आप इंग्लिश रिटन यानी लिख पा कैसे सकते हैं तो एक्सीलेंट है, जो भी आपका वो लेवल हो उस पे आप जो है टिक कर दें। ठीक है, फिर यहाँ पे कह रहा है कि स्पेशल ट्रेनिंग, आपने कोई ट्रेनिंग लिया हुआ है तो फिर यहाँ पे आप डिटेल के साथ बताएंगे, और PCC रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिखेंगे, मेंबरशिप एनीवेयर कहाँ पे भी आप यहाँ पे लिखेंगे, दूसरी जगह पे जो भी आपके पास रिक्वायरमेंट है वो आप लिख के यहाँ पे सेव कर देंगे। रेफरेंस जो है, ये रेफरेंस और ये जो है कुछ ज़्यादा अहम जो चीज़ें आपसे मांग रहा है, जो रेड लाइन थे वो यानी आपके पास इम्पॉर्टेंट है वो आपको एनी हाउ देनी है। ठीक है सर, उसके बाद आ जाना है अप्लाई पे। ठीक है, आपको अप्लाई करनी है किसके लिए, म्यूट के लिए और मेन कैंपस जामशोर हो या खैरपुर मीरस के लिए, आप जामशोर के लिए अप्लाई करें तो जामशोर कर दें। उसके बाद आप कौन सी आपका सब्जेक्ट है, कौन सा आपका फील्ड है, सिविल इंजीनियरिंग या जो भी आपका फील्ड है वो आप यहाँ पे एटेक मार्क कर सकती हैं। आप देखें यहाँ पे मुख्तलिफ से जो दिए गए हैं फील्ड, आपका जो भी फील्ड है वो आप यहाँ पे टिक मार्क कर दें। पोस्ट आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लैब सुपरवाइजर है और लैब टेक्निकल है, जो भी है आप उसके लिए अप्लाई करें, उसके बाद इसे आप सेव कर दें। उसके बाद है लास्ट में है डन, यहाँ पे आपको डन करने के बाद आपके पास एक ऐसा मैसेज आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखिए आया है कि थैंक यू, सॉरी ये थोड़ा सा जस्ट अ मिनट सर, यहाँ पे लिखिए आया है थैंक यू, यू हैव कंप्लीटेड योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑन प्रीवियस पेज, प्लीज़ डाउनलोड बोथ PDF फाइल्स डेट इज़ एप्लीकेशन एंड चालान। चालान और आपको अपना एप्लीकेशन जो है दोनों आपको डाउनलोड कर देनी है। वो आपको कहाँ से डाउनलोड करने पड़ेंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट अ मिनट सर। डन करने के बाद आपको जो है वापस आ जाना है अप्लाई में, इस डन करने के बाद वापस आपको अप्लाई में आ जाना है, और आपके पास ये बॉक्स ओपन होगा जिसके लिए आपने अप्लाई किया है। ठीक है, इसे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, जैसे कि मेरा ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो गया है, और इसे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका चालान जो है डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरा ये जो चालान है वो डाउनलोडिंग में है, डाउनलोड हो जाएगा। अब ये देखिए ये चालान है जो मेरा डाउनलोड हो गया है म्यूट का, अब ये मुझे HBL बैंक में जो है डिपॉजिट करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी